सबको जय मसीह की। एक और बार मैं आपको स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में स्वागत करना चाहती हूँ। आज हम मनन करने जा रहे हैं मेरे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर का समय, और इस महीने के हर एक हफ्ते हम इसी विषय को अलग अलग नजरिए से देखेंगे। हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य से बनाया है। यर्मिया की पुस्तक 18वें अध्याय के 6 आयत में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी है वैसे ही मेरे हाथों में तुम हो। इस वक्त मेरे पास कुछ मिट्टी के बर्तन है, कुछ पॉट्स और कुछ कप्स है। ये हर एक बर्तन को एक ही कुम्हार ने एक ही मिट्टी से बनाया है, लेकिन हर एक बर्तन का एक प्रत्येक उद्देश्य है। हमें से हर एक व्यक्ति को एक ही परमेश्वर ने एक ही मिट्टी से बनाया है, लेकिन हमें से हर एक व्यक्ति का एक प्रत्येक उद्देश्य है। देखिए, कुम्हार कभी भी मेहनत करके व्यर्थ में कुछ नहीं बनाता। वो ये नहीं सोचता कि चलो एक चीज को मैं ऐसे ही बना के रख दूं ताकि वो बैठा रहे और चीजों को उपयोगी होते हुए देखे। अब देखिए, मैं इस बर्तन में गर्म कॉफी डालती हूँ, इसमें दूध डालती हूँ, इसमें कुल्फी खाती हूँ और इसमें कॉफी पीती हूँ। यदि मुझे कॉफी पीना है तो मुझे इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इसमें या इसमें या इसमें कॉफी नहीं पी सकती। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें से हर एक व्यक्ति को एक प्रत्येक उद्देश्य से बनाया है। परमेश्वर कभी किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करता, वो कभी व्यर्थ में किसी को नहीं बनाता। उसने आज तक किसी भी व्यक्ति को यूं ही बनाकर ऐसे ही इस पृथ्वी में भेजा नहीं कि चलो एक व्यक्ति ऐसे रहने दो कि जो खाली बैठा रहेगा और बाकियों को उपयोगी होते हुए देखता रहेगा। नहीं, परमेश्वर का सभी के प्रति एक उद्देश्य है। अब हो सकता है आप कहेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बाइबल में भी बिल्कुल ऐसा ही एक व्यक्ति है, उसका नाम है गिदोन। हम गिदोन के बारे में पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक में कि वो डरपोक था। गिदोन के बारे में ऐसे लिखा है कि वो मिद्यानियों से डरकर दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। अब देखिए, गेहूं झाड़ने के लिए एक खुले जगह पे जाना चाहिए जहां पे पवन हो, हवा बहती हो। अब ये बंदा दाखरस के कुंड में गया है। अब देखिए, दाखरस का कुंड जो है पुराने समय पे जमीन के अंदर एक गड्ढा हुआ करता था, और इस गड्ढे में लोग जो है अपने अंगूर ले आते थे और अपने पैरों से उसको निचोड़ कर उसका रस निकाल कर इस प्रकार से उसे इस्तेमाल करते थे। वो होता है दाखरस का कुंड, जहां पे कोई हवा नहीं चलती, कुछ भी नहीं। अब गिदोन इसके अंदर क्यों बैठा है? क्योंकि वो डरपोक है। हो सकता है उसको लोग डरपोक बुलाते होंगे, उसके पड़ोसी, उसके घर वाले। हो सकता है घर वाले कहते होंगे, देखो वो गया डरपोक गेहूं लेके दाखरस के कुंड में। लेकिन वहां देखिए, परमेश्वर जब उतर आता है, गिदोन को कैसे पुकारता है? कहते हैं, हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर पराक्रमी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर जब हमें देखता है तो हमारी परिस्थिति को या हमारे दिल के अवस्था को नहीं, हमारे सोच को नहीं, लेकिन उसकी जो हमारे प्रति उद्देश्य है उसके अनुसार वो हमें देखता है और हमें बुलाता है। अब देखिए, ये मेरा मोबाइल फोन है। हम ऐसे सोच लेते हैं कि इस फोन को मैं सिर्फ एक टॉर्च लाइट के समान इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ टॉर्च लाइट के समान और कुछ नहीं। मैं इसको हो सकता है मेरा टॉर्च लाइट बुलाऊं, मेरे बच्चे भी इसे टॉर्च लाइट ही बुलाएंगे, क्योंकि वो यही देखते हैं कि मम्मा इसको सिर्फ एक टॉर्च लाइट के रूप में इस्तेमाल करती है। लेकिन इस फोन का जो मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाला जो है, वो जब इसे देखेगा वो कभी इसे टॉर्च लाइट नहीं बुलाएगा, वो कहेगा मोबाइल फोन, क्योंकि इस चीज को उसी उद्देश्य से बनाया है। जब परमेश्वर आपको देखता है, हो सकता है लोग आपको कुछ भी क्यों ना बोले, हो सकता है आप बार बार बिजनेस में पराजित हुए हो सकता है आप अलग अलग क्षेत्र में पराजित हुए हो, लोग आपको अलग अलग नाम से बुलाए, लेकिन जब परमेश्वर आपको देखता है वो कहता है, ये देखो मेरा बेटा जो विजयी है, ये देखो मेरी बेटी जो वर्शिप लीडर है, जो प्रचारक है। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको रचाया है उसी उद्देश्य से वो आपको पुकारता है। हो सकता है आप कहेंगे, लेकिन मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य का कोई पता नहीं। गिदोन भी बिल्कुल ऐसे ही था। जब परमेश्वर जाके उसको कहता है शूरवीर सूरमा, वो कहता है, कौन मैं तो मेरे परिवार में सबसे छोटा हूँ और मेरा परिवार भी सबसे गरीब है। नहीं, मैं नहीं। उसका नजरिया चाहे कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर का उद्देश्य था उसके जीवन के बारे में।
हम कई बार सोचते हैं कि काश प्रभु मुझे मेरे लिए उसका जो नक्शा है पूरा ही एक साथ दिखा देता तो अच्छा होता, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं करता। गिदोन से परमेश्वर ने कुछ कहा, ये सुनकर वो घबरा गया। उसे डर लगा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे घर वाले मुझे क्या कहेंगे। वो डर गया, लेकिन फिर भी रात के समय में जाकर उसने ये किया। यहाँ पे रोमांचक बात ये है कि चाहे वो डरता था, चाहे उसे डर लगा कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, फिर भी उसने, चाहे उसने रात में किया हो, उसने वो काम किया। कई बार परमेश्वर हमसे भी कुछ काम करने को कहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों के डर के मारे में वो पहला कदम नहीं उठाते। जब तक हम भी इस गिदोन के समान, चाहे हम डरते क्यों ना हो, वो पहला कदम जब तक हम ना ले, तब तक बाकी के बातों को परमेश्वर हमें नहीं बताएगा। जब गिदोन ने वो पहला कदम लिया, तब प्रभु ने धीरे 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 करके उसके लिए परमेश्वर का जो उद्देश्य था, परमेश्वर ने उसके सामने प्रकट किया। हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनते हैं, छोटा सा काम, चाहे परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, और चाहे वो काम करने में आपको कितना भी डर क्यों ना लगे, वो पहला कदम यदि आप उठाओगे, तो मैं आपसे कहती हूँ, परमेश्वर आपको धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, आपके जीवन के प्रति उसका जो उद्देश्य है वो खुलासा करता जाएगा, आपको समझ आता जाएगा। मैं आशा रखती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर ने आपके अंदर जो डाला है, वो धीमी सी आवाज जो प्रभु ने आपसे बात करी है, उस आवाज के प्रति आप आज्ञाकारी बनेंगे, वो पहला कदम आप जरूर लेंगे, और परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होते हम देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।